आइए हम लोग करते हैं, ठीक है? क्लियर है श्रेया बाबू, आवाज जा रही है? ठीक है, वो पवन सर पर एक नंबर आया है, उनको बतिया लो। हाँ, तो अब यहाँ पर हम लोग इस पर चालू कर देते हैं, क्योंकि आपको बेसिक कंसेप्ट को सीखते हुए शॉर्टकट कैसे करेंगे यह बात की जरूरत है। तो पहला क्वेश्चन जो आता है वो डोमेन रेंज से आता है प्रश्न। तो डोमेन रेंज को हम लोग कैसे डायरेक्ट करेंगे, यह प्रश्न को आपको करना, हम आपको सिखाएंगे कि डोमेन रेंज का प्रश्न आप कैसे बना पाएंगे। तो आज हम लोग पहले हम लोग चर्चा करेंगे डोमेन रेंज का। लिखा हुआ दिख रहा है डोमेन एंड रेंज। एक प्रश्न रहता है, क्या रहता है जल्दी बताइए उधर से, डोमेन और रेंज का। हेलो, आवाज आ रही है? तो पहला क्वेश्चन हम आपको पेश करते हैं, इसकी डोमेन रेंज आपको बताना है। फंक्शन एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स -5 प्लस 9 -x का रूट अंडर, इसका आपको डोमेन बताना है और आपको रेंज बताना है। तो देखो, आपको यहां पर कैसे करना है यह बात की जानकारी। अब आवाज आ रही है बाबू? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हेलो, म्यूट हो गया क्या? हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है बाबू? हाँ सर, अब लैपटॉप से ही आवाज आ रही है, ठीक हो गया। लैपटॉप आ रही है? हाँ आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तब तो हम इस फोन को आपका डिसकनेक्ट करते हैं और अब फिर लैपटॉप पर जुड़ जाते हैं और आपको जी दिखाना है कि कैसे करते हैं। मोबाइल को हमने बंद कर दिया है, बाकी आवाज आपकी जहां पर भी प्रॉब्लम हो अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उस पर फिर चार पांच क्वेश्चन दूंगा, उसको आपको करना है, सोच बदल देना है, बस आपकी स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहां पर देखिए, यह जो फंक्शन है यह अल्जेब्रिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है जल्दी बताइए? अल्जेब्रिक अल्जेब्रिक। फंक्शन है। तो अल्जेब्रिक फंक्शन में हम ये देखते हैं कि यह एक पाराबोला है और ये भी एक पाराबोला है। तो यह पाराबोला कैसा है, इसके हम पार्टिकुलर ग्राफ से इसकी सलूशन करेंगे। तो यहां पर यह जो कह रहा है, याद कीजिए, y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस 5 है, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5, यानी यह पाराबोला 5 यूनिट पर आपका जो है, यह पाराबोला नीच, ये पाराबोला जो है आपका 5 से ज्यादा है। यह बात क्लियर हो गया? बोलो यस या नो। यस सर। अब देखो, दूसरा पाराबोला जो है वह वाई इज इक्वल टू रूट अंडर 9 - x है, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - x हो गया, यानी यह माइनस में आ गया, तो 9 से इधर आएगा। यह पाराबोला आपको लेफ्ट साइड में बनेगा और ये वाला आपका राइट साइड में बनेगा। लेकिन अब प्रश्न यहां पर यह उठता है कि यह दो फंक्शन के बीच में प्लस है, यानी एक और दोनों मिल के यहां पर बात करेगा, तो याद रखो, देखो यहां पर 5 है और आपका 9 है, यानी डोमेन इसका क्लियर हो गया, 5 to 9 होगा, डोमेन इसका क्लियर हो गया। बोलिए श्रेया जी, या जो भी जी सर, सज्जन है, सारे लोग को ये क्लियर हो गया कि डोमेन इसका 5 to 9 हुआ। यह बात क्लियर हो गया? हेलो, हाँ सर, क्लियर। अब हमारा रेंज की बात करेंगे। यहां पर ध्यान देना, अगर एक्स की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 में से 5 चला गया तो कितना बचा? 0। और वहां पर 5 रखते हैं तो 9 में से 5 चला गया, तब कितना बचा? 4। और रूट अंडर 4 का वैल्यू क्या होता है? 2। यानी कलर को यहां पर चेंज करना पड़ेगा और ये आपका 2 हो जाएगा। क्या
क्या हो जाएगा, टू। इसी ढंग से अगर नाइन रखते हैं तब क्या होगा, यहां जीरो और नाइन रखने से ये भी ए हो जाएगा। यानी आप तुम्हारे पास जो बात करेंगे वह तुम्हारे पास दिख गया, ग्राफ आपका ये है। बोलिए श्रेया जी, क्या डोमेन आपको दिख रहा है 5 to 9, रेंज आपको 2 से दिख रहा है, लेकिन कहां पर होगा तो मिड पॉइंट पर सबसे ज्यादा होता है, तो यहां पर 5 to 9 का मिड पॉइंट 7 हुआ और 7 रखने से √2 और ये भी वाला √2, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू √2 यानी 2√2। यानी आपको यहां पर डोमेन डायरेक्ट हो गया, वह डोमेन हो गया 5 to 9 और रेंज आपका हो गया 2 से 2√2। बोलो क्लियर हो गया भाई श्रेया बाबू? तो रेंज एक बार फिर से बताइएगा, 1 सेकंड। अच्छा रेंज, हाँ, डोमेन क्लियर हो गया? हाँ डोमेन क्लियर है। हाँ, रेंज के लिए फिर बात समझिए। रेंज क्या होता है कि मिनिमम स्थिति में आप कितने थे, अगर एक्स की वैल्यू 5 to 9 रखेंगे, ये रेड वाला रखेंगे, अगर हाँ। यहां पर 5 रखिएगा, क्या रखिएगा जल्दी बताइए, 5, फाइव, तो वाई का वैल्यू क्या आएगा, 5 में से 5 चला गया तो 0, 0, हाँ, और 9 में से 5 चला गया तो कितना बचा, √4। बोलो फोर यस टू या नो? आएगा और जी रूट सर। अंडर फोर का वैल्यू क्या है, 2। हाँ यह बात समझ में आया? जी सर। अगर यहां 9 रखेंगे तब क्या आ हाँ जाएगा बताओ, 9 में से 5 गया तो क्या हाँ बचा, 4। फोर 4 का रूट अंडर कितना होता है, 2। टू टू अब यहां पर 9 में से 9 गया तो 0 बच गया, यानी यहां हाँ पर 2, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू जो आया वह आपका 2 है। मिनिमम वैल्यू क्या जी आया जल्दी बताइए, 2 है। टू टू अब हाँ मैक्सिमम वैल्यू कोई जो है ग्राफ जब पाराबोलिक होता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिड पॉइंट पर होता है, कहां पर होता है जल्दी अच्छा बताइए, मिड पॉइंट मिड पे। पॉइंट हाँ पर होता है। तो यहां पर जब मिड पॉइंट की हम बात करें तो 5 9 का मिड पॉइंट क्या होगा, तो 5 9 जोड़ेंगे तो 14 हो गया, 14/2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 इसका मिड पॉइंट हो गया। यानी 7 रखने पर कितना होगा, तो यहां पर 7 - 5 तो √2, और 9 - 7 तब भी √2, और √2 √2 को जोड़ेंगे तो 2√2। बोलो यस या नो? जी सर समझ आया। अब समझ में आया? हाँ इसको तुम कहूं भी देखोगे, दुनिया की कोई मैथमेटिशियन को देखोगे तो ये हाँ ग्राफ से नहीं सॉल्व करेगा। कैसे सॉल्व करेगा ये भी तुमको हम बताते हैं, वो चूंकि मेथड को हम बताएंगे, चाहे बात करो घनश्याम तेवानी जी की बात करो, या बात करो एसके गोयल साहब की बात करो, या आरडी शर्मा की बात करो, एमएल अग्रवाल की बात करो, लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये हम भी आपको मेथड बताते हैं, आपको कैसे करना है ये मेथड को जानना है। आपके पास एक ही चीज है ताकत, वो है ग्राफ। क्या है, ग्राफ। ग्राफ देख के समझ जाएंगे, √x - 5 क्या है, पाराबोला है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे सर, पाराबोला कहा गया, राइट साइड होगा कि लेफ्ट साइड होगा सर, एक्स पॉजिटिव है राइट साइड होगा सर, वहां एक्स निगेटिव है लेफ्ट साइड होगा। बोलिए यहां तक समझ में आ गया श्रेया बाबू? हाँ सर समझ गए। अब देखिए मार्केट के किताब कैसे बनाएंगे, अब हम बात करते हैं आपका सिंगेज लर्निंग का बुक का ऑथर मिस्टर घनश्याम तिवानी साहब का। ऐसा नहीं, वो बहुत बहुत बेहतर ऑथर हैं, इसमें कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है इस प्रश्न को कैसे दिया है ये थोड़ा सा आपको जानने की जरूरत है। बोलिए यस या नो? हाँ जी सर, यस सर। तो हमारे घनश्याम तिवानी साहब, वाई इज इक्वल टू रूट अंडर जब एक्स माइनस फाइव प्लस ये 9 - x को मिस्टर घनश्याम तिवानी साहब ने इसको जो बनाया है वह कैसे बनाए हैं, पहले तो डोमेन लॉजिक से निकाले हैं, लॉजिक से डोमेन निकाले हैं। देखो लॉजिक का मतलब होता है, देख भैया ये फंक्शन रियल होने के लिए एक्स की वैल्यू क्या चाहिए, 5 से बड़ा या बराबर, इसको फंक्शन रियल होने के लिए क्या चाहिए, 9 - x > 0, हाँ यानी 9 से x की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। यह बात क्लियर हुआ? सर। यानी x की वैल्यू 5 to 9 होनी चाहिए, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं। नहीं बोलो यस या नो? यस सर। अब यहां पर जहां पे इन्होंने रेंज निकाला तो अलजेब्रा का सहारा लिया, किसका सहारा लिया जल्दी बताइए, अलजेब्रा अलजेब्रा का। अलजेब्रा में क्या होता है कि अलजेब्रा में एक ही फॉर्मूला है, a + b का होल स्क्वायर।
क्या फॉर्मूला है जल्दी बताइए, ए प्लस प्लस बी का टू होल स्क्वायर स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है जल्दी बताइए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही अलजेब्रा का फॉर्मूला है। इन्होंने यहां पर अलजेब्रा लगाया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस को ए माना, दिस को बी माना, तो एक्स माइनस फाइव और नाइन माइनस एक्स और टू रूट अंडर एक्स माइनस फाइव रूट अंडर नाइन माइनस एक्स। बोलो यस या नो, एक्स से यस एक्स क्या हो गया, कट गया, सर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन माइनस फाइव इक्वल फोर कैंसिल। और टू रूट अंडर एक्स माइनस फाइव नाइन माइनस एक्स। अब फिर यहां पर लॉजिक का इस्तेमाल किए, क्या की इस्तेमाल किए जल्दी बताओ, लॉजिक लॉजिक में उन्होंने कहा कि यह टर्म जीरो हो सकता है, यह टर्म किस जीरो हो कंडीशन में, सकता है। दो कंडीशन में, कितने कंडीशन में, दो एक्स की कंडीशन। वैल्यू फाइव हो या एक्स की वैल्यू नाइन हो। लॉजिक क्या नहीं कहा बताइए, एक्स की वैल्यू फाइव हो या तो क्या हो नाइन हो, नहीं ये दो कंडीशन में जीरो हो सकता है, दो कंडीशन में जीरो हो सकता है। जीरो अब इन्होंने जो है, चूंकि घनश्याम तिवानी एक बेहतरीन मैथमेटिशियन है और बुक में तो बहुत बेहतर बुक लिखे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, सब हमारे मित्र मंडल के ही हैं, तो अब यहां पर फाइव और नाइन पर हो गया। अब इन्होंने कहा कि दो नंबर दिया हुआ है जिसकी प्रोडक्ट है, वह प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों इक्वल होगा, यह इक्वालिटी में पढ़ाया गया है। कहां पढ़ाया गया है जल्दी बताइए, इक्वालिटी में इक्वालिटी। यह पढ़ाया गया है कि दोनों अगर इक्वल रहेगा तो वह मैक्सिमम देगा। बोलो यस या नो, यानी यहां पर एक्स माइनस फाइव इक्वल नाइन माइनस एक्स, सो टू एक्स इज इक्वल टू 14, सो एक्स इज इक्वल टू 7। बोलो यस या नो, यस सर। 7 रखने पर यह मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो यहां पर 7 रखेंगे तो ये वाला रूट टू हो जाएगा, ये भी रूट टू हो जाएगा, रूट टू में मल्टीप्लाई हुआ तो टू हो गया और टू टू जा फोर हो गया, यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर फोर एट हो गया, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट है, यानी टू रूट टू होगा। ऐसे करके हमारे घनश्याम तिवानी साहब ने बनाए हैं, यानी इसका मिनिमम वैल्यू टू हुआ, मैक्सिमम वैल्यू टू रूट टू हुआ। बोलो यस या नो, यस ये करने आ गया बाबू। सर। हाँ अब हमारे जो है नेक्स्ट ऑथर आते हैं, एस के गोयल साहेब, जिन्होंने अपने बेटे को आईआईटी में रैंक वन दिला के साबित कर दिया कि मैथ से बल पर कुछ भी किया जा सकता है, उस मैथमेटिशियन का नाम है एस के गोयल। अब यहां पर हम लोग एस के गोयल की बात करते हैं, एस के गोयल साहब और अमित मेघरवाल साहब, आपको राइटिंग दिख रहा है, इन्होंने बताया कि यह प्रश्न को डिफरेंशिएशन से बनाया जा सकता है, क्या से बनाया जा सकता है, बोलिए श्रेया जी, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा का जो कंसेप्ट होता है वह डिफरेंशिएशन से होता है, तो डोमेन तो वही निकला 5 to 9। अब उन्होंने डिफरेंशिएशन करना चालू किया, उससे क्रिटिकल पॉइंट निकाला, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पर ग्राफ चेंज कर सकता है, यानी यहां पर डिफरेंशिएशन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो 1/2 हो जाएगा और एक्स माइनस बाउंड फाइव, और एक्स माइनस फाइव की पुनः डिफरेंशिएशन तो एक्स की डिफरेंशिएशन वन, और माइनस वन फाइव की कांस्टेंट टर्म तो उसकी डिफरेंशिएशन जीरो। जीरो, प्लस 1/2 रूट अंडर नाइन माइनस एक्स, नाइन की डिफरेंशिएशन आपकी जीरो और माइनस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस में, क्या में माइनस में, माइनस बोलो यस या नो। यस और सर। क्रिटिकल पॉइंट के डिफिनेशन आप लोग जानते हैं कि फंक्शन जहां पर रुक जाए, फंक्शन जहां पर रुक जाए वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। मैं सुबह में टहलता हूं, टहलते टहलते मैं जब थक जाता हूं ना तो मैं रुक जाता हूं, वो मेरा मैक्सिमम पॉइंट है। बोलो यस या नो। दूसरा क्या है कि जहां पर मैं डिसकंटिन्यूअस हूं वो भी हमारा बन सकता है क्रिटिकल पॉइंट।
तीसरा क्या है, जहां पर हम डिफेंसिएबल ना हो वो भी क्रिटिकल पॉइंट बन सकता है। और चौथा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमने डिफेंसिएशन किया और वहां पर इक्वल जीरो हो गया, ये भी मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है। बोलो यस या नो। तो इसको यस सर, गौर से देखो, ये ग्राफ कभी रुकेगा नहीं, यह ग्राफ कभी आपका डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, और ये डिफेंसिएबल भी है। 5 to 9 तक यह डिफेंसिएबल भी है, तो यानी यहां पर इक्वल ये जीरो हो जाएगा। अब बताओ कि रूट अंडर एक्स माइनस फाइव इक्वल 9 माइनस x, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, एक्स माइनस फाइव इजकल टू 9 माइनस x यानी 2x इजकल टू 14, सो x इजकल टू 7। बोलो यस या नो, यानी यस सर, 7 पर ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। यह बात क्लियर अच्छा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर, यानी अब दुनिया का जितना ऑथर होगा या तो डिफरेंशिएशन से सोचा है या अल्जेब्रा से सोचा है, लेकिन सोचना ग्राफ से है। सोचना कैसे है? ग्राफ से। ग्राफ सर, अब इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, मुझमानी हो जाएगा। हाँ यानी सर, अब ग्राफ से भी नहीं सोचना है, उससे भी ऊपर का चीज होता है डायरेक्ट आंसर। गौर से देखो श्रेया बाबू, डोमेन तो यही 5 to 9 है। बोलो यहां पर ऐसे करो, एक्स माइनस ए और यहां पर बी माइनस एक्स, और धीरे से लिख देना ए ग्रेटर देन डी, सॉरी ए लेस देन बी, ए लेस देन डी। बोलो यहां तक समझ गए बाबू? हाँ सर, इसका डोमेन जो होगा ए टू बी होगा। डोमेन कहां से कहां तक तो होगा, जल्दी बताओ। सर ये कैसे आप ए और बी कर लिए सपोज? अभी देखिए, आपने इसकी अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ए से ज्यादा जाएगा, अच्छा बोलो, और हाँ, इसकी सर ग्राफ खींचेंगे तो बी से कम होगा, तो डोमेन तो कन्फर्म हो गया। यहां तक क्लियर? अब हाँ, देखेंगे इसका रेंज की बात करेंगे तो रूट अंडर बी माइनस ए होगा, रूट अंडर। अब सोचो ऐसा क्यों बी सोचा, बोलो। अब देखिए, हमारा जो अगर ए वैल्यू रखेंगे तो ए में से ये चला गया तो जीरो, तब भी बचा माइनस बी माइनस ए, और बी रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, अब बी माइनस ए यानी रूट अंडर बी माइनस ए हो जाएगा। बोलिए, अब यहां ए। पर डोमेन क्लियर हो गया मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम इसका क्या होगा, तो √2 मल्टीप्लाई हो जाता है। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, जल्दी बताओ, √2। हाँ ऐसा क्यों कि जब इसको हम स्क्वायर करेंगे, यहां पर अगर हमने मिड पॉइंट को रखा, किसको रखा, मिड पॉइंट, देखिए √2 का है होता है, यह बात समझिए, यह √2 का है मल्टीप्लाई होता है। अगर मिड पॉइंट को रखेंगे तो ए प्लस बी बाई टू रखेंगे। बोलो यस या नो। हाँ यस सर, अब यहां पर वाई बराबर एक्स के जगह पर ए प्लस बी बाई टू माइनस ए, और यहां पर जब रखेंगे तो यहां पर बी और यहां पर ए प्लस बी बाई टू। अब इसको सॉल्व कर दो बाबू तो तुम्हारे पास -2 आ जाएगा, यानी बी में से यानी बी माइनस ए बाई टू हो जाएगा रूट में, और ए प्लस में इसको भी सॉल्व करोगे तो बी माइनस ए बाई √2 हो जाएगा। बोलो, दोनों सेम क्वांटिटी है तो जुड़ जाएगा, यानी 2 times of b minus a by 2। अब यहां पर ये चुकी √2 में काट देगा, यानी रेंज में भी कोई शक नहीं हुआ कि ये जो आएगा √2 यहां पर b माइनस ए। यह लॉजिक समझ में आया? अब जी सर, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो डोमेन रेंज हम लोग मुजबानी कर देंगे और सेकंड नहीं लगेगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। आइए श्रेया जी, पहला क्वेश्चन आपके लिए। y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स माइनस 9 और यहां पर 25 माइनस x, क्या आपको डोमेन रेंज निकालने में कोई दिक्कत? क्या बोलेंगे, डोमेन 9 से 25 हाँ और रेंज, रेंज आपका हो जाएगा 25 में से 9 गया तो 16, 16 का रूट अंडर 4, और बोले थे कि √2 ज्यादा होता है यानी 4√2। अब बताइए क्या समय लगा, सर, अब बताइए क्या घनश्याम तिवानी जी से पहले बनाया गया, एस के गोयल जी से पहले बनाया गया,
अमित एम अग्रवाल जी से पहले बनाया गया, एम एल अग्रवाल जी से पहले बनाया गया, यानी इस टाइप का डोमेन रेंज का क्वेश्चन आता है तो हमारे स्टूडेंट डायरेक्ट बना देंगे। बोलो यस या नो? सर, यस बहुत अच्छे से बना देंगे। तो हाँ टाइप वन आपका क्लियर हो गया, आप अपना एक कॉपी नोट्स बना लेंगे और टाइप हाँ वन में हाँ डालेंगे, ऐसे लिखेंगे टाइप वन है ना, इसमें आप डालेंगे डोमेन रेंज का पहला टाइप y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस a और यहां पर b माइनस x। यह डोमेन आपका क्लियर, a टू b रेंज आपका क्लियर, रूट अंडर b माइनस a और b माइनस a इंटू रूट टू रेंज क्लियर। ग्राफ भी यहां पर श्रेया बाबू खींच देना है, ये जीरो ए और बी ये ऐसे होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वह रूट अंडर बी माइनस ए और यहां की जो वैल्यू होगी रूट टू टाइम्स ऑफ रूट अंडर बी माइनस ए। ये आप टाइप वन में अपना नोट्स लिख दें, आपका ये कभी भी आप नहीं भूल सकते हैं। अब हम लोग टाइप टू में चलेंगे। बोलिए यहां तक सीख गए श्रेया बाबू? हाँ सर, सीखा। अच्छे से सीख गए, ठीक हाँ है। अब हम लोग टाइप टू में चलते हैं। टाइप टू में आप देखेंगे कि आपका क्वेश्चन डोमेन रेंज से, अभी आज हम लोग डोमेन रेंज की डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो टाइप टू लिखिए, टाइप टू वाई इज इक्वल टू साइन टू दी पावर टू एन एक्स और यहां पर कॉस टू दी पावर फोर एन एक्स। इस टाइप का भी क्वेश्चन रहते हैं, यह दो बार आईआईटी में यह प्रश्न पूछा है, लेकिन रेंज का पूछा है। क्या पूछा है? रेंज का। मैं आपको सभी बुक का स्मरण करवाऊं तो हमारे घनश्याम तिवानी साहब ने, एस के गोयल साहब ने, एम एल अग्रवाल साहब ने यह क्वेश्चन जब 2011 में यह प्रश्न ऐसे पूछा था कि ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और कॉस टू दी पावर फोर एक्स, इसमें ए का रेंज बताना था। आप क्वेश्चन बनाए होंगे तो यह क्वेश्चन आपको आया होगा। बोलिए श्रेया जी आया है? हाँ आवाज सर आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, कट रहे थे बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आया है तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। यहां ध्यान दीजिए, क्योंकि इसको बहुत लोग जितने भी ऑथर हैं वो सब अलजेब्रा के सहारा लिए हैं। किसका सहारा लिए हैं जल्दी बताइए, क्योंकि अलजेब्रा अलजेब्रा उन लोग को आसान होता है लेकिन उनको समझते नहीं, उससे भी ऊपर का चीज है कॉमन सेंस। देखो इसको सोचो कैसे, यहां क्या लिखा हुआ है बताओ, बोलो मैंने अभी जो घेरा फोर उसका क्या लिखा हुआ है वैल्यू? फोर। फोर फोर में से एक चला गया, कितना बचा? ठीक 3/4 से 1 तक, दिस इज द रेंज। अब मैं इस पर पहले प्रश्न पूछूंगा फिर तुमको बताऊंगा कि देखिए हमारे एस के गोयल साहब, अमित अग्रवाल साहब, घनश्याम तिवानी साहब ने कैसे बनाया, आपको कैसे बनाना है। पहले इस पर एक क्वेश्चन हम पहले विचार कर लेते हैं। यहां पर साइन के पावर 4 है और यहां कॉस के पावर 8 है। पहले आंसर लिखना से बता दो, रेंज बराबर बताइए श्रेया जी। 8/7, 7/8 और 1, वेरी गुड। 7/8 1। हाँ यहां ए इज इक्वल टू तुम्हारे पास साइन 8, ध्यान रखना इवन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? अच्छा अब तुम्हारे मन में आएगा इवन आना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑड रहेगा तो जिगजैग हो जाएगा, ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर जी। वैल्यू किसी का निगेटिव भी तो होता है ना,
तो ऑड पावर करेंगे तो उसको तो निगेटिव हो जाएगा, लेकिन जब इवन रखेंगे तो ऑड रही माने वो निगेटिव रही या पॉजिटिव रही, आप तो पॉजिटिव ही देंगे। इसका आंसर जल्दी सा बताया जाए तो फिर हम लोग विचार करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। फिफ्टीन 15/16:1 16 से 1। अब प्रश्न ये उठेगा कि इसको औरों कैसे बनाएं, तो हम पेन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर चेंज करेंगे कलर बताना, ये थोड़ा देखना। तो यहां पर लोग अलजेब्रा का सहारा लिए, दिख रहा है हाँ हरा सर कलर। अब यहां पर अलजेब्रा का लोग सहारा लिए हैं, किसका सहारा लिए हैं जल्दी बताइए, जी अलजेब्रा का। अब जानते हैं अलजेब्रा के अनुसार क्या बनाएंगे, ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, और इसको वह लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यस या नो। और अलजेब्रा में हम बताए हैं, जितने हमारे बाद में भी वीडियो देखेंगे, कि अलजेब्रा में एक ही फॉर्मूला चलता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इससे अलजेब्रा का काम हो जाता है। गौर से देखिए, साइन स्क्वायर एक्स को कॉस में लिखना चालू करें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। बोलो यस या नो। यस सर अब देखो अलजेब्रा वाली फॉर्मूला तुम्हारा लग गया होगा, 1 को 1 रहने दो सर, ये दोनों में अलजेब्रा लगा, क्या लगा बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स, बोलो भाई, कॉस एक्स इसका होल होल स्क्वायर, और लिखना है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके 2 से हम मल्टी कर दें, तो यहां पर सेम लिखा हुआ है बाबू। बोलो ओके अब देखो, ए स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया, तो ये एक्स्ट्रा न हुआ हाफ, तो यहां पर हाफ का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, फिर हाफ का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। बोलो यस या नो। यस सर अब बताओ, ये हाफ का स्क्वायर जो घटाए हो माइनस में, यहां 1 है और हाफ का स्क्वायर कर रहे हो तो 1/4, यानी 1 में से 1/4 चला गया तो 3/4 बचा। बोलो यस या नो। यस सर और ये फॉर्मूला पर हो गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ का होल स्क्वायर। बोलो भाई, जी सर अब गौर से देखो, यह 3/4 हो सकता है कब, जब ये वाला 0 होगा तब। अब बताओ कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हाफ कब होती है, तो π/4 पर। बोलो यस या नो, यस सर फाइव यानी π/4 पर यह 0 हो जाएगा। बोलो भाई, हाँ जी सर अब बताओ कॉस स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितना होती है, 1, क्या होती वन है, अब 1 में से हाफ चला गया तो हाफ बचा, और हाफ का हाँ स्क्वायर कितना होता है, 1/4, तो 3/4 में 1/4 जोड़ दिए तो कितना बचा, 1, यानी वन मैक्सिमम वैल्यू 1 जा सकता है, मिनिमम वैल्यू 3/4 जा सकता है। बोलो क्लियर यस है, सर यानी Type 2 को आप सुनहरे अक्षरों से लिख सकते हैं कि Type 2 में जब प्रश्न आएगा इस टाइप से, तो इसको आपको क्या करना है, ए इज इक्वल टू साइन टू द पावर 2n x या कॉस टू द पावर 4n x, या अगर ये रहे कॉस टू द पावर 2n x और साइन टू द पावर 4n x, तब यहां पर कैसे आंसर लिखना है, यानी रेंज ए का जो रेंज होगा, यानी ए का जो रेंज होगा वह होगा 4n-1/4n से 1 तक। बोलिए श्रेया बाबू, ये दूसरा टाइप आपने सीख गया, जी सर इस टाइप के क्वेश्चन रहेगा, मुझमानी दे सकते हैं। हाँ सर यानी अब हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूं, तो यहां पर अगर ये प्रश्न है और आपने अगर टाइम लगा दिया तो हमारी मेहनत बेकार गई, यानी आपका यहां पर 7/8 से कहां तक होगा, 1 तक। वन तक यह बात सीख गए आप लोग। हाँ सर अब हम Type 3 की बात करेंगे, Type 3 की हम बात करेंगे।
लिखिए, ए इज इक्वल टू साइन टू द पावर 2n x और कॉस टू द पावर 2n x। देख रहे हो बाबू? ओके अब ये क्वेश्चन जो है, चूंकि अब ऑथर को मैं बार बार नाम नहीं लूंगा, नहीं तो उन लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, इसलिए अब हम सीधे बोलते हैं कि ऑथर कोई भी लिख सकते हैं ना। अब तो क्लियर हो गया ना कि बुक वाले कैसे हाँ जी बनाते सर, हैं, और है ना, चूंकि अच्छा नहीं लगेगा, चूंकि आज पहला क्लास आपका था इसलिए मैंने बता दिया। इसलिए सभी ऑथर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेहतर लिखते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि हमसे वो बहुत आगे का चीज है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हम लोग जो है, समय बचाना और स्पेस बचाना मेरा मन मेन लक्ष्य है, ये हमारे पास अपना जादू है। अब देखो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन कब पूछे गए थे, पहला बार पूछा गया था ये प्रश्न, दूसरी बार पूछी गई थी ये प्रश्न, तीसरी बार पूछी गई थी ये प्रश्न। हम तो जब कभी कभी खिसिया जाते हैं ना, हो सकता है वो बिहारी टंग नहीं समझते, खिसियाना मतलब पूरा गुस्सा में चिल्ला आ जाना, समझ रहे ना। ओके तो हम तो आज का जो तारीख महीना सब, तो आज हम ईस्वी का ही बात करेंगे, और ये 2024 है, हम लिए छोटा मोटा क्या गेम खेलते हो, आओ ये खेलते हैं। प्रश्न समझ गए? बोलो हाँ यस या सर, नो। यस सर, अब देखिए जो हमारे जितने भी ऑथर भाई साहब लोग हैं कैसे बनाते हैं, और उनकी चाहे वो डिफ्रेंसिएशन करें या अलजेब्रा की सहारा लें, मैं उनको माना नहीं करता हूं, क्योंकि हम माने करने वाले कौन होते हैं। यह प्रश्न पर हम पुनः आएंगे, अभी जैसे हमारे ऑथर लोग बनाते हैं, आइए। ए इज इक्वल टू साइन 4x और कॉस टू द पावर 4x को अलजेब्रा जो सहारा लेंगे वो इसको ऐसे बनाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहां तक श्रेया जी समझ में आ गया? यस सर, अब देखो यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला हो गई, यानी इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। यह बात समझने में कोई दिक्कत? यस सर, यहां ए इज इक्वल टू, यानी इसकी वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो। हाँ सर, लेकिन यहां पर ध्यान देने की बात है, ध्यान जो हम वर्ड बोलते हैं ना, समझ जाना लॉजिक। देखो तुमको पता है ना साइन स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पता है 1, मिनिमम वैल्यू 0, राइट। जी यस सर, यहां साइन स्क्वायर किया जा सकता है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई काम फ्री में तो हम लोग करते नहीं है, तो दोबारा यहां 2 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बोलो। यस सर, यानी ए इज इक्वल टू 1 और ये वाला हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान देंगे मेरे दर्शक सारे लोग? आपको पता है ना कि साइन 2x की फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें तो यहां पर साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बोलो यस या नो। जी और बोलो यहां पर यह बात लिखी हुई है कि नहीं, सर, यानी यहां पर साइन स्क्वायर 2x बाई 2 लिख सकते हैं। जी अब गौर से देखो, यहां 1 माइनस है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या सर, जाएगी जल्दी बताओ? 1 1। मिनिमम वैल्यू में ये जितना बड़ा होगा
उतना ही वो मिनिमम वैल्यू लेगा, बोलो, चूंकि घटाना है, राइट। तो साइन स्क्वायर टू एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? वन होता है। अब वन में से हाफ चला गया तो यहां पर हाफ बचेगा, बोलो, यस और मैक्सिमम वैल्यू वन हुआ तो हाफ से लेकर वन तक हुआ। यस अब सेकेंड क्वेश्चन को जब वो बनाएंगे तो ए इज इक्वल टू साइन सिक्स और यहां पर कॉस के पावर सिक्स, बोलो। यस सर अब इसको वो अलजेब्रा लगाएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यू और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यू, बोलिए, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो यहां पर उनका हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यही ना फॉर्मूला होता है बाबू। यस यानी ए बराबर वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, बोलिए। हाँ सर अब यहां पर तुमको क्या करना होगा? फोर से मल्टीप्लाई, फोर से, अब मल्टीप्लाई फोर से डिवाइड, बोलो यस या नो। हाँ यस सर यानी ए इज इक्वल टू वन माइनस थ्री टाइम्स बाई फोर और यहां पर हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, बोलिए। यस अब यहां पर वन माइनस थ्री बाई फोर और इसको हल करोगे फोर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को, तो यहां पर साइन स्क्वायर टू एक्स का होल स्क्वायर होगा, बोलिए। अब इसका देखो मिनिमम वैल्यू क्या होगा जब ये जीरो हो जाएगा, बोलो भाई, हाँ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वन जब वन हो जाएगा? तो वन में से थ्री बाई फोर गया तो वन बाई फोर, यस बोलिए, सर से वन, यस सर कोई दिक्कत? नो सर सही अब मैं प्रश्न पर पुनः लौटता हूं। ये जो आप किसी ऑथर की बात कर रहे हैं, यानी आपने प्रैक्टिस नहीं किया, भूख वाले जो ऐसे बताए तो हम लोग भी वैसा करना चालू कर दिए, यही काम किए ना। जी सर लेकिन क्या यही काम करना उचित है? नहीं, हम लोग को एक नया स्टाइल देना है मार्केट को। आप सीखेंगे, आप अपने मित्र मंडल को बोलेंगे, सारे लोग को बोलेंगे, क्योंकि हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि मैथमेटिक्स को बिना पेन का, बिना पेज का हम सोल्यूशन दें। इसमें देखिए पेन लगा, पेज भी लगा, यानी यस जो हमारा नाम टीसी एंड एससी है, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हम खुद निर्धारण करते हैं, इस पर हम परफेक्ट नहीं हुए। दो टाइप में तो हो गए थे, अब चलिए इस पर भी हो जाते हैं। देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू वन जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या जाएगा जल्दी बताइए? वन, वेरी गुड। अगर मिनिमम वैल्यू निकालने हमको आ जाता है तो हमारा काम बन जाएगा, बन यानी मिनिमम वैल्यू आना चाहिए, मिनिमम वैल्यू, राइट। पता है क्या होता है? वन बाई टू के पावर एन माइनस वन बन गया प्रश्न। गौर से देखो, ये है, इसके मैक्सिमम वैल्यू वन होगा, मिनिमम क्या होगा? वन बाई दो से इसको डिवाइड किया, टू टू जा फोर, और टू में से वन गया, कितना बचा, बोलो श्रेया बाबू, वन बचा, और बचा टू के पावर वन करते हो तो वन वन टू टू ईयर आ टू जाता है, यानी आंसर वन बाई टू से कहां हो गया? वन तक वन बना। समय लगा क्या, पेन नहीं लगा क्या, क्या जरूरत है? नहीं इसका आंसर क्या होगा श्रेया बाबू, बोलिए? मैक्सिमम तो सर वन होगा, यहां ये सिक्स है सर, सिक्स को टू से मल्टी डिवाइड करेंगे सर तो थ्री, और थ्री में से वन गया तो टू बचा सर,
और 2 के पावर 2 4 होता है, यानी 1/4 से। देखो अभी सब्जेक्टिव बनाया था तो यही आंसर आया था क्या? अब बताओ क्वेश्चन नंबर 3 तुम बना दोगे कि नहीं बना दोगे? जी सर, वन ये 1 आ गया, यहाँ 8 है, 2 से बाई डिवाइड किया 4 हो गया, 4 में से 1 गया कितना बचा? 3, 3। और 2 के पावर 3 कितने वन होते हैं? 8। बाई अब देखो जो मैं अभी गुस्से में जो प्रश्न दिया, ये भी प्रश्न आपसे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? मैक्सिमम 1 हो गया, यहां 1/2024 है तो यानी 1012 आएगा। बोलो 1012 आएगा। बोलो भाई, हाँ सर, 1012 में से 1 जाएगा तो कितना बजेगा? 1011। अब बोलो बनाने में कोई दिक्कत? नहीं सर, हो जाएगा। अपने फ्रेंड सर्किल में चर्चा करो, ए इज इक्वल टू साइन टू द पावर 100 और कॉस टू द पावर 100, क्या जवाब तुम दे सकते हो? जी सर, बिल्कुल जवाब दे सकते हो, यानी 1/2 के पावर 49 49, से 1। बोलो यस या नो? यस सर। यानी हम प्रश्न को थोड़ा सा अब हम देखना चालू करें तो अब बोलो इसको अपने हम लोग बनाए हैं, मन करेगा ना ना इसको काटो भाई, बहुत ध्यान देना पड़ा, लॉजिक देना पड़ा, कैलकुलेशन करना पड़ा। सर तो बताते हैं कि बिना पेन और बिना पेज का अगर मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो आप क्रिएटर सुपर 30 चैनल में आइए, उस पर आपको जो है ये चीज 100% आपको मिलेगा। और आपने देखा होगा कि हमने जो 3 टाइप का भी प्रश्न बताया है, जिसमें क्या हमने पेन लगाया है, नहीं सर, क्या हमने पेज को कुछ किया है कि आंसर ही कर दिया, आंसर लिखे है ना, तो हाँ, यही काम हम लोग करते हैं। चलते हैं टाइप 4 में, चूंकि हम लोग जो है वचनबद्ध हैं, 12:32 तक हम आपके साथ लाइव में हैं, फिर हम लोग दूसरे बैच को करेंगे, फिर आपको टाइम हम लोग बता देंगे। आप जो हमारा जो टेक्निकल टीम ने नंबर आपको फोन किया था उस नंबर को आप नोटेड कर लेंगे, क्योंकि वही टाइम डिसाइड करेगा, हमारे नंबर कभी उठते हैं कभी नहीं उठते हैं। लेकिन आपको आपको क्लास डेली होगा, डेली अगर 10 टाइप का भी हम लोग अगर सीख जाते हैं तो धीरे धीरे हो सकता है कि एग्जाम में हम लोग को काफी सहूलियत मिलेगा। आइए हम लोग देखते हैं टाइप 4 को। टाइप 3 तक आपने क्लियर कर लिया है बाबू, श्रेया बाबू? यस सर, टाइप 4, यहां पर टाइप 4 की हम बात करेगा, इसमें क्या होता है ना एक चीज। हाँ बोलो बोलो, कुछ बोल रहे थे? नहीं सर, हम तो नहीं बोल रहे। अच्छा ठीक है, तो टाइप 4 में देखोगे यहां पर एक आपका बिहार में घर है कि बिहार से बाहर? सर बंगाल में, बंगाल में है, मतलब नेटिव विलेज भी बिहार में नहीं है, बंगाल में ही है, नहीं वो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो देखोगे कि एक वर्ड होता है ना, और वर्ड को पहले समझाऊंगा कि उसी से इस पर प्रश्न है और आप डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व कर देंगे, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है और डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे। वह प्रश्न भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, जो भी बिहार के नहीं होंगे, उत्तर प्रदेश के नहीं होंगे, मध्य प्रदेश के नहीं होंगे, थोड़ा सा क्षमा याचना हम चाहेंगे, क्योंकि यह हिंदी में इसको अच्छे से समझा जा सकता है। यहां पर 2 वर्ड है, एक वर्ड है ये और दूसरा वर्ड है ये, थोड़ा एरो से समझ लीजिए ना, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, मतलब दोनों में झगड़ा हुआ है। दोनों में क्या हुआ है? तब ना एक इधर भाग रहा है एक इधर भाग रहा है। यहां पर देखो दोनों का एरो एक तरफ जा रहा है, मतलब यहां पर स्नेह और यहां पर झगड़ा हुआ है। इससे आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी से बन जाएगा, इसलिए हमने ये चर्चा किया है। बात सब लोगों को समझ में आ गया? हाँ सर, तो यहां पर झगड़ा का मतलब होता है, देखो इसको हिंदी में 36 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं 63।
हम जानते हैं हिंदी बट समझने में लोग का दिक्कत है, लेकिन एरो तो मेरी बात समझ रहे हैं ना। हाँ अच्छा चलिए हम लोग ये देखते हैं, जब पेरेंट्स में झगड़ा होता है मम्मी पापा में, तो देखना पापा इधर जाएंगे और मम्मी इधर जाएंगे, मम्मी जी बोलेंगे चाय पीजिए, हम लोग नहीं पीएंगे। ये प्रैक्टिकली है, सबके घर में होता है, हमारे वाइफ के साथ भी होता है, ये प्रैक्टिकली चीज है। जब दोनों में स्नेह होता है तो एक दूसरे में ऐसे हो जाता है। मतलब यहां पर तुम इसको समझो कि कुछ बात पर अनलाइक है। बात पर क्या है जल्दी बताओ, मतलब पापा कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, अब मम्मी कह रहे हैं कि निगेटिव है, तो बोलो उस संदर्भ में झगड़ा होता है कि नहीं होता है। लेकिन यहां पर लाइक है, लाइक का मतलब क्या हो गया बताओ, दोनों या तो पॉजिटिव है, माने कुछ बात को अगर बोल रहे हैं कि दोनों सही है मतलब सही है, या दोनों बोल रहे हैं गलत है मतलब दोनों गलत है। तो इसको लाइक में आदमी का स्नेह होता है, और अनलाइक में वहां पर क्या होता है, हम लोग का झगड़ा होता है। बोलो यस या नो। हेलो, यस सर, जैसे इसको प्रैक्टिकली सोचो, सब आदमी सोचते हैं कि सर डायरेक्ट आ जाए, सर डायरेक्ट आ जाए, कहां से सब सब जगह हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। हाँ लाइव में हम सब जगह रह सकते हैं, तो ये चीज हम लोग को देखना होगा। लाइव एक लाइक हुआ, और अनलाइक क्या हुआ, कोई बोलते हैं यहां आ जाइए, यहां आ जाइए, यहां सेमिनार, वहां सेमिनार, अरे भाई सब जगह सेमिनार, तो कहां कहां जाएंगे, लेकिन फिर पढ़ाना भी है ना। तो यहां पर अनलाइक और लाइक, ये दो वर्ड हम आपको सिखाए हैं। क्या क्या सिखाए हैं जल्दी बताइए, लाइक और लाइक और अनलाइक, अनलाइक, फिर से बताइए क्या क्या सिखाए हैं। लाइक और अनलाइक। चलिए इसी लाइक और अनलाइक पर जब हम लोग प्रश्न देंगे, और इस प्रश्न को हम लोग करना चालू करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा, यह बात प्रैक्टिकली समझ गए कि जब हम लोग को दोनों के बीच में बात मिल रहा है, जैसे हमने टाइम दिया आपको 11 बजे, किसी कारणवश से हम लोग 11:32 में स्टार्ट किए, 12 बज चुकी है, घंटा हम वचनबद्ध है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं 11 बजे, आप बोलोगे नहीं सर हमें तो सुबह में 7 बजे पढ़ूंगा, अब 7 बजे मैं फ्री रहूंगा तब ना। लाइक अनलाइक समझ रहे, दोनों का बात मिलना, दोनों का बात मिलना, हाँ ठीक है, यह बात समझ में आ गया। चलो अब प्रश्न तुमको बनाने आ गया, जाओ। टाइप फोर ए इज इक्वल टू 3 + 4 sin x, या यहां 3 4 cos x, या प्लस माइनस भी हो सकता है, या प्लस माइनस भी हो सकता है। बोलो यस या नो। अच्छा देखो इसको जो हमारे प्यारे ऑथर लोग बनाए हैं, चूंकि वो कहते हैं कि हम साइन एक्स का रेंज जानते हैं या तो कॉस एक्स का रेंज जानते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है लाइक अनलाइक भी एक वर्ड होता है जो बिना पेन लगाए हुए सॉल्व किया जा सकता है। बोलो बाबू। आइए हम लोग देखते हैं, पहले जो 36 और 63 की आंकड़ा हमने बताया, इस आंकड़ा के तहत हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, फिर महान गणितज्ञ जो बुक लिखते हैं उनकी बात भी हम लोग को मानना पड़ेगा। यह प्रश्न आपको देखे होंगे, प्रश्न होंगे भी डोमेन रेंज में, जी प्लस माइनस होता ही है, तो एक बार प्लस के लिए सीख लेंगे, एक बार माइनस के लिए सीख जाएंगे। चलिए हम लोग प्लस के लिए एक बार सीखते हैं पहले। तो प्लस के लिए यहां पर 4 प्रश्न हो गए, पहला प्रश्न हो गए 3 + 4 sin x, इसकी दूसरी प्रश्न हो गए 3 + 4 cos x, तीसरी प्रश्न हो गए 5 + 4 sin x, और चौथी प्रश्न हो गए, यह बात समझ में आ गया बाबू क्वेश्चन। जी इसी ढंग से माइनस का भी होगा, पेन को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, रेड पेन,
आंसर लिखना चालू कर। देखो हमारे में क्या है ना कि हम डायरेक्ट आंसर वाले आदमी हैं, समझ गया। ऐसे रूल से इसको बनाओगे तो पहला क्वेश्चन को हम बना के दिखा देते हैं, जो हमारे ऑथर लोग जो लिखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कम से कम सब्जेक्टिव ही सिखाते हैं। तो देखिए बाकी ऑथर लोग पहला क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, ये बात को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो यहां पर बोलते हैं कि साइनेक्स का रेंज पता है, अगर आप पढ़े भी होंगे तो साइनेक्स का मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। बोलिए यह बात लिखें, जी बोलिए सर। ठीक है। इसके बाद देखो यहां 4 टाइम्स है तो बोलेंगे कि 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया। कितना से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जल्दी बताओ, 4 से। फिर 3 ऐड करना है तो 3 आपने ऐड किया, यहां तक समझ रहे हो बाबू। यहां पर सर -1 और यहां पर 3 + 4 sin x और 7, यहां तक समझ गया बाबू। जी अब इसके बाद क्या करना है, इसके रेसिप्रोकल है। क्या है सर। तो रेसिप्रोकल में आपका क्या होता है, साइन हाँ चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, तो जी यहां -1 से ये हो जाएगा। बोलो राइट, हाँ सर। और ये वाला हो जाएगा 1/7। बोलिए यस या नो, यस यानी आंसर हो जाएगा 1/7 से -∞ से 1/7 तक यूनियन, ठीक है। ओ नहीं, यहां पर -1 से कह रहा है तो -∞ से -1। बोलो यस या नो, यस यूनियन 1/7 से, 1/7 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। बोलो, यस अच्छा इतना बड़ा बनाओगे तो सर का स्टूडेंट नहीं कहलाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर लोग जो है मैथ वाले बाबा, गणित वाले बाबा, ट्रिक वाले बाबा लोग जानते हैं, इसका मतलब मेरे में गट्टे में ताकत है कि कोई भी प्रश्न को बिना बनाए हुए आंसर लिखना सिखाता हूं। आइए देखते हैं इतना बड़ा से बनाएंगे श्रेया बाबू। नहीं सर, अभी हम सर आपको बताए थे ना कि मम्मी पापा में झगड़ा होता है तो कब 63 होते हैं कब 36 होता है, मैंने बोला था कि दोनों का सोच देखो, यहां का दोनों का वैल्यू देखो, एक -1 है 1/7 है। यानी गौर से देखो ये -1 कैसे आया था, यहां ध्यान दीजिए, साइनेक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है जल्दी बताओ, वन 1। तो 4 3 कितना हो गया, 7, यानी 1/7। यह बात समझ में आया। साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, 3 में -1 से 4 गया, कितना बचा, -1। बोलो यस या नो, यस सर। अब बताओ यहां गौर से देखो यहां पर झगड़ा है कि नहीं बताओ, यस एक निगेटिव है एक क्या है, तो पॉजिटिव। बीच में यूनियन लगा देंगे, बीच में क्या लगा देंगे, अब वन यूनियन बाई सेवन से इन्फिनिटिव तक और -∞ से -1 तक। बोलो करने आया, जी सर। मजा आया कि नहीं आया, आ हाँ गया। सर। हाँ अब गौर से देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में तो भार ही नहीं है सर, मजा आ गया सर, यहाँ कॉस की वैल्यू मैक्सिमम हो गया तो 1/7 आ गया। यस बोलो, और सर। हाँ मिनिमम आ गया तो -1 आ गया, अब बात वही था सर। अब सर ये प्रश्न को मैं करता हूं सर, आप रुको मैं करता हूं सर, अच्छा रुको रुको, देखो देखो यहां पर 4 sin x है ना, तो मैक्सिमम हाँ वैल्यू 1 लिया तो 5 4 कितना हो गया जल्दी बताओ, नो 1/9। 1/9। अब यहां पर देखो ये अगर है -1 रखा तो 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, अब यानी 1 आ गया, लाइक है कि नहीं, हो गया आंसर 1/9 से 1 तक। बोलो क्लियर हो गया। यस अब सर। ये प्रश्न को तुम बना सकते हो नहीं बना सकते हो जल्दी बताओ, यस सर। अच्छा अंतर समझ में आया। अगर हम हाँ जो सर। बोलते हैं आपके मम्मी पापा आए थे ना, मैंने बताया था मेरा नाम स्वामी अरविंद कुमार सिंह है, स्वामी सर से लोग जानते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है हाँ
जो लक्ष्य हमारा है कि बिना पेन और बिना पेज का मैथ सॉल्व होगा। बोलो चार टाइप का सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? अगर जी चार टाइप का हुआ और मैथ्स में अगर 200 टाइप है तो बोलो हम लोग टोटल सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। करने आ गया सब लोगों? अगर यही चीज को सब्जेक्टिव बनाएगा ना तो कैसे लोग बनाएगा? वाई इज इक्वल टू 5 + 4 cos x। तो यहां पर क्या लॉजिक लगाएगा? पहले cos x का माइनस वन से सर प्लस वन बोलो, फिर हम्म, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो यहां पर 4 cos x, यहां 4, फिर 5 ऐड करना पड़ेगा। ये आ गया यहां 1 5 + 4 cos x, यहां 9। अब क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल में क्या होता है बोलिए श्रेया जी? 1/9 से 1/1, ये सिंबल चेंज हो जाएगा ना, वन। हाँ और यहां 1/5 + 4 cos x हो जाएगा, ये भी सिंबल चेंज हो जाएगा, 1/9। बोलो यस या नो? तो यहां पर देखो वन हाँ बाई नाइन से बड़ा, 1 से छोटा, आंसर मिलाओ, यही आया था ना? हाँ सर, तो यह बात आज आपको मैंने चार टाइप बताया है, क्या 4 टाइप में कोई तरह का प्रॉब्लम है आपको? ठीक सर, आपको हो गया जो लगा अपने घर में सदस्य को बताना है कि आपको जो हमारा जो स्टेटमेंट है वह स्टेटमेंट सही है या नहीं है, लेकिन कंटिन्यू क्लास आपको करना है। समझ गए? आप जहां सर, कर ठीक रहे हैं क्लास को करते रहें, कंटिन्यू क्लास करना है। इस 4 टाइप के क्वेश्चन का आप मास्टर बहुत बढ़िया हो गए। आप प्रश्न देख के ही बता सकते हैं आंसर क्या हुआ। कुछ कुछ हमारा यहाँ पर जो है मगही जो हमारा है 36 और 63, वो धीरे धीरे विद्यार्थी लोग समझ जाते हैं। यहाँ पर 36 मैंने ऐसे लिखा था, जिसको हम लोग 36 बोलते हैं, मतलब ये दोनों में बिगाड़ हुआ जो इससे पीछे वाले क्वेश्चन में था। यह प्रश्न जो ठीक है 63 हुआ, यानी दोनों पॉजिटिव था, तो यासी दोनों में ये हुआ। तो हम लोग फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहे। अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। श्रेया जी आपका ये 4 टाइप आपका क्लियर हो गया है? सर, हो गया क्लियर। ठीक है, फिर हम लोग आपको हम बता देंगे व्हाट्सएप पर। आप 7481, एक और मेरा व्हाट्सएप नंबर है ऑफिशियल, मैं आपको उससे हम आपको व्हाट्सएप करवा देता हूँ जो उस पर हम लोग का हो। ठीक ठीक है ना? क्योंकि हम लोग इधर उधर रहते हैं तो फोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी हम फोन नहीं उठाए, इसका मतलब आपको जब जैसी मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको वहां पर कम्युनिकेट कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद। है सर, थैंक यू सर। चलो इसको बंद किया जाए।